नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहार पारेख। मेरे साथ है डॉक्टर पंकज पारेख। नमस्कार। और आज हम और बात करेंगे नवजात शिशु के केयर के बारे में। हर माँ, हर ग्रैंड मॉम थोड़ा ऑब्सेसिव रहते हैं बच्चों की स्वच्छता के बारे में। एक स्वच्छता जो चमड़ी या त्वचा को स्वच्छ रखने की, वो अलग बात है, लेकिन एक दूसरी स्वच्छता जो मुंह, कान और नाक में जितना कुछ भरा पड़ा है सब साफ करने का एक माइंडसेट, वो गलत है। वो कभी कभी एडवांटेजेस से ज़्यादा और हानि पहुंचा सकता है। कान, नाक और मुंह, ये सब जगह ऐसी रहती है जहाँ कलेक्शन रहता है। थूक का कलेक्शन, इधर स्नॉट का कलेक्शन, इधर वैक्स का कलेक्शन। इन कलेक्शन के बारे में सर, स्पेसिफिकली मुंह के अंदर और कान का ध्यान न्यूबॉर्न में कैसे रखना चाहिए? ये पुरानी परंपरा है कि जीभ को साफ किया जाए। एक सोच है इसी है कि अगर जीभ को साफ नहीं किया जाए तो उस पर गंदगी जमा हो जाती है, वो एक सफ़ेद वाइट लेयर सा लग जाता है। सही में ये लेयर तो होना ही है, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा करके दूध पीते हैं उनकी जीभ सफ़ेद ही होती है, मगर इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसको निकालने की बिल्कुल ज़रूर नहीं है। कई बार इसकी निकालने की कोशिश में हम बच्चे को ज़्यादा तकलीफ देते हैं। ये अपने आप साफ होती है, इन खास करके 6 महीने की उम्र के बाद, जब ये हम बच्चे को ठोस खाना देना शुरू करते हैं तभी जीभ अपने आप साफ होती है। कान के बारे में बहुत सारी गैर समझ है। बहुत सारी माएँ, बहुत सारी ग्रांड मदर ये समझती हैं कि कान में तेल या घी डालने से कान का मेल सॉफ्ट आता है और कान साफ होता है। सही में तो कान एक ऐसी जगह है, वहाँ खाली जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। आप तेल डालते हो, घी डालते हो, वो सब कान में भरा पड़ा रहता है, और अगर उसमें गंदगी लग गई, बैक्टीरिया लग गए, तो उसमें से पस भी हो सकता है। कान में तेल डालना, घी डालना जरूरी ही नहीं, हानिकारक भी बहुत है। दूसरी चीज, कई बार हम ईयरबड से साफ करना कोशिश करते हैं, मगर ईयरबड बहुत तकलीफ दे सकता है। ईयरबड के जो फाइबर है, अगर वो जो कान में रह गए तो उसमें फंगस लग सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। उसी तरह कई बार जो बच्चों को नहलाते हैं वो कान को सूखा करने के लिए फूंक मारते हैं। ये फूंक भी जरूरी नहीं है। कई बार मुंह के सब जंतु, सब बीमारियां, सब बैक्टीरिया कान में जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें पुरानी परंपरा है। ये जो मान्यता है इसके पीछे एक साइंस है, ये परंपरा है, पर परम सत्य भी नहीं है। अगर इसके पीछे के साइंस को समझ के अगर आप अपनी समझ बदलो तो बच्चे को बहुत फायदा हो सकता है। आपके बच्चे की सही परवरिश के लिए अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो आप हमारी चैनल चाइल्ड एंड यू से जुड़िए। लिव नाउ, लिव हेल्दी, सिर्फ सुश्रुता के साथ। आपके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए हमारे ये ईमेल एड्रेस पे लिखिए या ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। Thank you.